जय हिंद, वेलकम टू विदित एजुकेशन गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट सीईटी 2023 के बारे में। गाइस, लास्ट अब 50 दिन रह गए, 50 डेज रिमेनिंग। नाउ व्हाट इज द सेफ स्कोर फॉर टॉप फाइन आर्ट्स कॉलेजेस? गाइस, क्या सेफ स्कोर है आपको अगर फाइन आर्ट कॉलेज में एडमिशन चाहिए? जैसे सभी का ड्रीम है जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, पुणे, नागपुर, नासिक, जलगांव, ये सारे जगह पर मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है। सेफ स्कोर क्या है, कितना स्कोर आपको चाहिए जिससे जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में आपको एडमिशन मिल जाए? ओके, चाहे वो आप महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट हो, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट हो, या फिर एससी एसटी के कैंडिडेट हो, ओबीसी के कैंडिडेट हो, एनटी वगैरह के कैंडिडेट हो, ये सारे कैटेगरी वाइज जो भी क्राइटेरियाज आते हैं कैटेगरी रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से, कितना सेफ स्कोर चाहिए जिससे आपको फाइन आर्ट्स कॉलेज में, टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। सो इस वीडियो में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे गाइस कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। और गाइस, हमने बैचेस लॉन्च कर दिए है, ये नंबर पे आप हमें कॉल कर दीजिए 9987338335, और यू कैन ऑल्सो विजिट टू अवर वेबसाइट viditeducation.com। एंड गाइस, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है, डू फिल दैट फॉर्म इफ़ यू वॉन्ट कॉल बैक फ्रॉम अवर एंड। गाइस, अब मैं सेफ स्कोर की बात करूँ तो 150 प्लस लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स के लिए था, ओके? अगर तो 150 प्लस चाहिए आउट ऑफ 200, ओके? सो दिस इज द स्कोर फॉर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स। मैं 3000 स्टूडेंट्स, 3 से 3500 स्टूडेंट्स ये एग्जाम लिखते हैं, एंड 700 to 800 स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिलता है फाइन आर्ट्स कोर्स में, ओके? सो कंपटीशन एक तो काफ़ी है, ओके, बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, एंड आने वाले टाइम में जैसे जैसे सीईटी का टाइम बढ़ते जा रहा है, हमारे पास भी काफ़ी स्टूडेंट आए थे, आ गए हैं। सो जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ेंगे वैसे वैसे सीट भी बढ़ता है, कंपटीशन भी बढ़ता है, ओके? तो 150 प्लस सेफ स्कोर है जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में आउट ऑफ 200। और ये हो गया जेजे स्कूल की। अदर जो फाइन आर्ट्स के कॉलेज है, जैसे वीवा है, भारतीय विद्या भवन पुणे का है, डीवाई पाटिल है, ये सारे कॉलेजेस में आपको एटलीस्ट 130 प्लस चाहिए, ओके? ये मैं महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट एज वेल एज ओएमएस कैंडिडेट जो ओपन कैटेगरी में है, ओके, उनके लिए बात कर रहा हूँ, ओपन कैटेगरी के लिए स्टूडेंट के लिए। सो 150 एंड 130, अगर आप ये रेंज में हो तो आपका चांस बनता है। रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये एक सेफ स्कोर है फॉर गेटिंग एडमिशन इन टॉप फाइन आर्ट्स कॉलेज। गाइस, टॉप फाइन आर्ट्स कॉलेज का बेनिफिट ये है कि वहाँ प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं, आप जो फाइन आर्ट्स स्किल्स आप सीखोगे, ओके, वो बहुत इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें वहाँ पे सीखोगे। सो इसीलिए सेफ स्कोर इतना है बिकॉज टॉप कॉलेज के लिए फाइट भी जाता रहता है। एंड गाइस, टाइम जो होता है एग्ज़ाम के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम के ऊपर मैंने कैसे आप एग्ज़ाम दोगे, क्या सारी चीज़ें प्रिपेयर करोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे बैचेस में हम लोग सिखाते हैं क्या आपको करना चाहिए, कैसे आप सारी चीज़ें करोगे जिससे आपका जो मेमोरी ड्राइंग है, ऑब्जेक्ट ड्राइंग है, डिज़ाइन प्रैक्टिकल है और जीके, ये इम्प्रूव होगा। तो गाइस, ज्वाइन आप हमें कर सकते हो। आई होप आपको ये समझी रहेगी कि क्या सेफ स्कोर है एंड कैसे आपको इम्प्रूवमेंट लानी है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।